स्क्रीन पर तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा आज है। अंडरपास और फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। हुड्डा सिटी सेंटर पर बने हैं अंडरपास और फ्लाईओवर। सुबह 10 बजे का वक्त है, यानी कि करीब अब से एक घंटे बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंडरपास और फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। तो जलापूर्ति परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल हिस्सा लेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एड्रेस भी कर सकते हैं, संबोधित भी कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सुबह की बड़ी जानकारी। सुबह का 10 बजे का वक्त है, यानी कि करीब अब से एक घंटे बाद, जी हां, एक घंटे बाद अंडरपास और फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकार्पण करेंगे। और इससे ऊपर की बात करें तो जलापूर्ति परियोजना का भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या स्केड्यूल है, क्या जानकारी मिल पा रही है? 10 बजे का यश कार्यक्रम है और हुड्डा सिटी सेंटर पर अंडरपास का निर्माण है और सिग्नेचर टावर के पास फुट ओवर ब्रिज का निर्माण है। ये 52 करोड़ 52 लाख रुपए की परियोजना है, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। इसके बाद सेक्टर 43 संस्कृति मॉडल स्कूल में जाकर पर्चा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पर्चा पर चर्चा संबोधित करेंगे छात्रों को इस कार्यक्रम के तहत, तो उनके विचार सुनेंगे छात्रों के बीच बैठकर, और उस विचार के बाद छात्रों से भी इंटरेक्शन मुख्यमंत्री का है, यानी उन बच्चों के साथ जहां इस प्रधानमंत्री के संवाद को सुनेंगे, उस संवाद के बाद उस छात्रों से भी संवाद करेंगे। साथ ही सेक्टर 111 और 115 में जल परियोजना जो लागू करनी है उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये 3 शेड्यूल है और उसके बाद माना जा रहा है कि ग्लोबल सिटी कॉन्फ्रेंस जो गुरुग्राम के एक निजी होटल में होना है, वहां लोगों के साथ उनका संवाद होगा जी। और राउंड टेबल में ये मुद्दा क्या रहने वाला है, और बात करें जलापूर्ति परियोजना की तो ये कितनी महत्वपूर्ण है, कितना फायदा लोगों को मिलने वाला है? निश्चित तौर पर यश, देखिए जो सेक्टर 111 और 115 में जल परियोजनाओं की बात है, तो निश्चित तौर पर उन इलाकों में जल पहुंचाना, पानी पहुंचाना और पेयजल की व्यवस्था करना, इसको लेकर जो डिमांड्स थी उसी के तहत इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है और उन इलाके के लोगों को इससे काफी बेनिफिट्स होगा। साथ ही आपको बता दें जो राउंड टेबल ग्लोबल सिटी राउंड टेबल टॉक्स की बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सिटी डेवलपमेंट से जुड़े हर प्लान और हर पहलू पर चर्चा होनी संभव है। कई एक्सपर्ट्स इसमें शामिल होंगे, एक्सपर्ट्स अपनी राय रखेंगे और वो मुख्यमंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन भी पेश करेंगे जी। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंडरपास और फ्लाईओवर का लोकार्पण मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। हुड्डा सिटी सेंटर पर अंडरपास और ये फ्लाईओवर बने हैं, तो सुबह 10 बजे का वक्त है, यानी कि अब से करीब एक घंटे बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंडरपास और फ्लाईओवर का लोकार्पण करने वाले हैं। इससे न केवल लोगों को फायदा मिलेगा, सुगमता भी और बढ़ेगी। इससे ऊपर बात करें तो ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिस्सा लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है।